फ्रेंड्स, क्रेजी फॉर फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़े भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सूजी का चीला टाइप से बनाया है। देखिए, 2 कप सूजी लिया है, 1 कप दही लिया है और इसके साथ ही मैंने कुछ सब्ज़ियाँ काट ली हैं, छोटी छोटी सब्ज़ियाँ काट ली हैं। टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और प्याज, ये सब लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। अब हमें इसमें पूरे मिक्स करना है। सूजी लिया है, दही लिया है, सूजी में दही डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डालना होगा, क्योंकि बिना पानी के ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। पानी डाल देंगे और थोड़ा सा लूज़ ही बैटर रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट बैटर अच्छे से नहीं होगा। अब मैंने इसमें सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। अब चाहे तो इसमें और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, कुछ स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सब्ज़ी ना हो तो आप सिर्फ प्याज और टमाटर डाल करके भी इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। कम वेजिटेबल रहेगी तो भी टेस्टी लगता है, और आप चाहे तो अभी सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादा वेजिटेबल डाल सकते हैं। बच्चों को वेजिटेबल खिलाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, तो आप इस तरीके से उन्हें सारी वेजिटेबल आसानी से खिला सकते हैं। तो मैंने इसमें सारी वेजिटेबल डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। दोस्तों, इसे मिलाना बहुत ही आसान है, फटाफट इसे इसमें सारी सब्ज़ियाँ मिला देंगे। सिर्फ दही सूजी लेना है और सारी सब्ज़ियों को मिला देना है। क्विक और फास्ट तरीके से मैं बता रही हूँ दोस्तों, आप इसे आसानी से जल्दी जल्दी बना सकते हैं। फटाफट इसे फेंटना है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए, इसमें सारी सब्ज़ियाँ मिक्स हो गई हैं और अब हम इसमें नमक डालेंगे। और आप इसमें मिर्च वगैरह और भी डाल सकते हैं। देखिए, नमक थोड़ा कम था और नमक डाल दिया है। अब मैं सिर्फ कलर अच्छा आने के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ, और आप इसमें लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं और चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। अब मैंने सिर्फ धनिया पत्ती डाल दी है, मिर्च वगैरह नहीं डाली है ज़्यादा, आप अच्छे से डाल सकते हैं। और अभी से 10 मिनट छोड़ देना है, 10-15-20 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम इसे बनाएंगे। इसे 5-10 मिनट ढक के रख देंगे अच्छे से मिक्स होने के बाद। और दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा सा नींबू डल जाए ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है, नींबू से टेस्ट और इन्हेंस होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए, आपको फटाफट और क्विक तरीका मैं बता रही हूँ, फटाफट इसे बस मिलाना है और बना देना है। तवा गरम करना है, तवा गरम हो जाएगा तो इसमें ऑयल स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा, और फिर इसके बैटर को अच्छे से मिक्स करके डालेंगे। दोस्तों, बीच बीच में मिक्स ज़रूर करते रहिएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पानी आ जाता है और नीचे नीचे जम जाता है, तो बिना मिक्स किए इसे नहीं डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस मेरे चैनल को ज़रूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत ही फास्ट रेसिपी लेकर के आऊँगी जो आप तुरंत ही बना सकें और बहुत ही आसान होगी। अब मेरा तवा गर्म हो चुका है, मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है। अब मैं बैटर को फिर से चलाऊँगी, फिर से अच्छे से मिक्स करके और इस पर डालूँगी। देखिए दोस्तों, 1 बड़ी चम्मच से कम हुआ है, 2 बड़ी चम्मच डाल दिए मैंने, और इसको अब राउंड शेप देंगे, हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे धीरे धीरे और गोल करते जाएंगे। गोल गोल दोस्तों बहुत ही सुंदर लगेगा, आप चाहे तो ऐसे भी फैला सकते हैं और ये चिपकेगा भी नहीं। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, अगर आप लोहे का तवा भी लेते हैं तो भी इससे नहीं चिपकेगा, तो भी आसानी से उतर जाएगा। अब ये देखिए, मैंने राउंड राउंड शेप दे दिया है इसको, बिल्कुल पिज्ज़ा के जैसा लग रहा है। सारी वेजिटेबल कटी हुई है इसमें, बहुत ही सुंदर दिख रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और बच्चे तो वेजिटेबल खाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो बच्चों को कुछ इसी तरीके की चीज़ें बना करके देना चाहिए जिससे कि वो सारी सब्ज़ियाँ खा सकें। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सिकना स्टार्ट हो गया है, बीच में इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब ये सिक जाएगा, थोड़ा कलर इसका चेंज हो रहा है कि, तो पता चल जाएगा कि नीचे से ये सिक चुका है। हल्का सा देख चेक कर लेंगे, सिक चुका है तभी इस पर ऑयल लगाएंगे, और ऑयल थोड़ा सा फैला करके लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे, और फिर इसे पलट करके धीमी आंच पे सेकेंगे। दोस्तों, आंच इसकी बहुत ही फास्ट नहीं होनी चाहिए, हल्के हल्के मीडियम भी रहनी चाहिए, मीडियम और फास्ट के बीच में रहनी चाहिए, एकदम स्लो में नहीं सीखेगा और एकदम फास्ट में ये जल जाएगा, इसलिए थोड़ा मीडियम और थोड़ा
फास्ट के बीच में रखेंगे और इसे अच्छे से सेकेंगे। देखिए अभी सीख रहा है, बीच में छिड़ने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा चेक कर सकते हैं हम एक बार पलट के। देखिए अच्छे से नहीं सीखा है, इसको हल्का सा प्रेस करके सेकेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तेज़ नहीं प्रेस करेंगे। अब इसे हम पलट के चेक करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी देखिए ये सिका नहीं है अच्छे से, देखिए कच्चा कच्चा सा लग रहा है, ब्राउन भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसे और सेकना है। थोड़ा सा और फ्लेम थोड़ा सा और तेज कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ प्रेस करके सेकेंगे। अब ये देखिए दोस्तों गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है, इसका मतलब है ये मेरा रेडी है। आप इसे उत्पम स्टाइल बोल सकते हैं, चीला स्टाइल बोल सकते हैं, कुछ भी। आप इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ, चाहे तो बच्चों को सॉस के साथ दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म।